तो हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस समय राप्ती पुल पर जो कि बीरपुर चौराहे के करीब पड़ता है। और हम आप सभी लोगों तो को दिखाएंगे, जा रहे हैं सिमरी भिनगा के ओर, वहां से वीडियो दिखाएंगे आप सभी लोगों को। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भैया जी जो कि किर्लोस्कर में काम करते हैं। जी हम जा रहे हैं भिनगा, क्या करने के लिए? किर्लोस्कर का जो है सर्विस देखने। कहाँ कहाँ डेली सर्विस देखते हैं? ये हमारा पूरा जो है भिनगा शहर जो है लगता है डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती। जी तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं। कोहरा है इसलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इधर का। और यहाँ से आप देख सकते हैं, इस समय हम राप्ती पुल के पास खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है भाई। तो साथ में हमारे चाचा जुड़ चुके हैं जो कि हमारे यहीं के रहने वाले हैं। क्या करने गए थे, कहाँ गए थे? कहे नहीं, ऐसे आए यहाँ पे घूमने के लिए। चलो ठीक है, घूमना भी बहुत ज़रूरी है भैया। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और जा रहे हैं सिमरी चौराहा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है बीरपुर से श्रावस्ती जाने के लिए। ठंड ज़्यादा है, मैं इस समय बोर्ड के पास पहुंच चुका हूं जो कि ये सीधा श्रावस्ती रोड का है। तो मैं इस समय बीरपुर चौराहे पर पहुंच चुका हूं जो कि ये मेन बीरपुर चौराहा है, और इकोना की तरफ मुड़ चुके हैं। तो जी दोस्तों, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है यूट्यूब पर, आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि हमारी वीडियो आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे। पेट्रोल टंकी रास्ते में स्कूल पढ़ता है जो कि काफ़ी फेमस है। ये स्कूल किशनपुर स्कूल है, ये बहुत ही अच्छा स्कूल लग रहा है देखने में। और पहुँच चुके हैं स्कूल पर जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इधर से आपको लुक दिखाएंगे ये, और सामने भट्टा भी है। सिंगल है लेकिन कुछ ही दिन में डबल हो जाएगा, हाईवे में तब्दील हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ से गुलाब का आप सभी लोगों को दिखाएंगे। ये सामने भट्टा है जो कि काफी मशहूर है, ये सब भट्टे गौशाला। नजारा यहाँ का तो बहुत ही खूबसूरत है भाई साहब, बहुत ही अच्छा व्यू दिखने में लग रहा है। जी दोस्तों, मैं इकोना पहुंच चुका हूं और हाईवे की ओर लग चुका हूं। तो दोस्तों आगे आपको दिखाएंगे कैसा नज़ारा है। आप देख सकते हैं, और आगे आपको दिखाएंगे। ठंड इतनी पड़ गई है कि डिस्प्ले पर दिखा रहा है 18 सेल्सियस डिग्री ठंडी है इस समय। कश्मीर अपने घर पर खुश रहे भाई, इतनी ठंडी तो यहाँ पर पड़ने लगी। जी दोस्तों, मैं अपने बीजेपी टीम ब्लॉग को हर जगह के लिए प्रोवाइड कर दिया है क्योंकि तो वो अपने अपने कामों में बिजी है इस समय। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि ये अब्बा ने हमारे ठेके पर बनवाया था, और ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन जो तो साहब आपको सफ़र करा रहे हैं। Yeah.
और दोस्तों हम रोना मार्केट में घुस चुके हैं इस समय। आप रोना मार्केट देखिए कितना ही बेस्ट लग रहा है। इतनी ठंड है कि मार्केट में कोई ज़्यादा लोग भीड़ ही नहीं है। यहाँ पर इतना भीड़ लगी रहती थी कि ठंड के कारण सब लोग अपने अपने घरों में अलाव ताप रहे होंगे। तो दोस्तों ये रहा इकोना मार्केट। काफ़ी फेमस एरिया है। ये रोड अस्पताल की तरफ गई है भाई। तो दोस्तों इस समय हम इकोना मार्केट में खड़े हुए हैं और सेमरी कैंसिल हो गया है कुछ कारणों की वजह से। तो अब जा रहे हैं हम विशेषरगंज, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है विशेषरगंज। वहाँ का वीडियो आपको दिखाएंगे और इकोना मार्केट का नज़ारा आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। भैया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो हम इनसे बात करेंगे। तो जी भैया आप कहाँ रहते हैं? हम इकोना सरावस्ती में रहते हैं। आप क्या करते हैं? हम डॉक्टर की दुकान पर रहते हैं। कौन सी दुकान पर? डॉक्टर की दुकान पर, एम ए खान एजाज खान जी। तो आप वहाँ काम करते हैं? जी। कितना आपको सैलरी मिलता है? सैलरी हमें 100-150 रुपये रोज मिलता है। अच्छी बात है, कहीं भी लगे रहो। तो आप हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल के बारे में सब्सक्राइब लोग करें, पब्लिक लोग और क्या। अच्छी बात है, थैंक यू भैया, आपसे बात करते हुए बहुत खुशी हुई। आप अपना चैनल बता दीजिए। KGP ब्लॉग आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी सारी टीम काम कर रही है।